shot. What a stroke that is. तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की। ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए, जो लुट गए हम तेरी मोहब्बत, जो लुट गए। बहुत बुरी हार, बहुत बुरी हार विनोद। ऐसी हार की उम्मीद नहीं थी, हजम नहीं होगा। मुझे भी बहुत दुख हुआ है, और जिससे सब जने बताया कि किस क्या क्या गलतियां हुई है, लेकिन बहुत 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 दुख हुआ। और ये हार हमें बहुत बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, और पाकिस्तान ये हमेशा हमें याद दिलाते रहेगा, क्योंकि जो इंडियंस हमारे जो भारतीय थे बहुत मायूस होंगे। मुझे पता है कि हारने के बाद क्या होता है, सब जगह यही कहते हैं कि हारो, सबके साथ हारो, लेकिन पाकिस्तान से ना हारो, पाकिस्तान से मत हारो। और इतनी बुरी तरह जहां कोई संघर्ष ही नहीं दिखा। हरपाल जी, आपने कहा था एक बात मुझे याद आ रही है मैच शुरू होने से पहले कि ये एक तरफा मुकाबला होगा, वाकई सिर्फ आपने ऐसा कहा था? बिल्कुल कहा था, और आप मानने को तैयार नहीं थे। सारे बड़े दिग्गज थे, 300 बाल हैं, हम ये करें हम वो करें। मैं आपको एक बताऊंगा, हमारी हार की वजह यह है कि पिछले 4 साल से हमारे एक्सपर्ट्स ने अपने कमरों में बैठ के अपनी टीम को कहा जी सबसे बड़ी बैटिंग लाइनअप है, सब कमाल है। हम वर्ल्ड कप हार गए, हम T20 हार गए, अब चैंपियंस ट्रॉफी हार गए। अगर हमारी बैटिंग लाइनअप, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं कहता हूं हमारी टीम ऐसी ही है जैसी बाकी टीमें। आपने खुद ही बता दिया कि वर्ल्ड की बेस्ट बैटिंग लाइनअप, तो कहां गई बैटिंग लाइनअप, कहां गई T20 में बैटिंग लाइनअप? जी हां, बहुत निराशा की बात है हरपाल जी, बहुत गुस्सा भी है, निराशा भी है। मैं बोल नहीं रहा, प्रिया प्रिया के पास जाएंगे, प्रिया बहुत मायूस लग रही है। शांत हरपाल जी, विनोद कामली, शांत हरपाल जी। मैं किसाई नहीं कर रहा, आज पाकिस्तान ने हमारे कपड़े उतार दिया हमारी टीम। यहाँ पर बैठकर बोलना बहुत आसान है, 180 हारे हैं। बीच में जाओ, आप एक्सेप्ट नहीं करने के बीच में जाओ, बीच में जाकर आपने कहा क्योंकि क्या आप हार गए हैं और एक्सेप्ट कीजिए, यू लॉस्ट वेरी बैडली, यू आर इंडियन। एक्सेप्ट, लेकिन यार इतना कह रहा हूँ, बाहर बैठकर क्रिटिसाइज करना बहुत अच्छा है, आप बीच में जाओ। अरे मैं क्रिटिसाइज कर ही नहीं, प्रेशर विनोद कामली हरपाल जी, हार गए क्योंकि शायद हमारी टीम में भी यूनिटी नहीं दिखी जैसी आप दोनों में। यूनिटी की बात ही नहीं है, यूनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज मानता हूँ कोऑर्डिनेशन नहीं थी ना बैटिंग। आप दोनों के जुगल शांत हो जाइए, एक एक करके अपनी बात पर रखिए, एक एक करके। हमें आप क्या कहना चाहती हैं? विनोद की बात सही है, यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। जो वहाँ पर खेलता है उन्हें पता है, लेकिन हम हैं आम जनता, हमारी उम्मीदें लगी हुई रहती हैं, हमारा दिल टूटा है, वी आर फीलिंग रियली टेंशन। और जिस तरीके से हम लोग हारे हैं लेकिन इस तरह की हार, देश के करोड़ों फैंस का दिल टूटा है। प्रिया, काम्या, राजू जी, आपका क्या कहना है इस बुरी हार के बारे में? बाप सबसे जीत सकता है, बस औलाद से नहीं, औलाद से हारता भाई साहब। लेकिन देखिए, जीत हार एक खेल का हिस्सा है, आज हार गए कल फिर जीत जाएंगे। राजू जी, जो आपके शब्द हैं वो आपकी भावनाओं का साथ नहीं दे रहे, लग रहा है दिल टूटा है आपका भी। जब सब पता है तो क्यों पूछ रहे हो, कहां से बोले, किस उमंग से बोले, कोई जोश नहीं है अंदर, पूरा 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 दिन यहाँ पर बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग बिना खाना खाए, बिना पिए, ना है तो छुट्टी के दिन, पूरा संडे बर्बाद हो गया, टीवी से चिपके हुए हैं, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। खेल सिर्फ खेल नहीं है मैडम, खेल सिर्फ खेल नहीं है, खेल सिर्फ खेल नहीं है, ये धर्म। प्रिया, एक बात कहने दीजिए, 5 करोड़ राजू जी, ये दिल का दर्द मुझे अभी सुरों में भी सुनाई दे रहा था कुछ मिनट पहले। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा,
तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानुष ने अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। काबू में रखिए राजू, हम लौट के आएंगे कुछ। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।